केजरीवाल नूं मिली है वड्डी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल नूं दित्ती है वड्डी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल नूं अंतरिम जमानत दे दित्ती है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट दे विच गिरफ्तारी नूं दित्ती सी चुनौती। जदों तक वड्डी बेंच सुनवाई करेगी उदों तक यह जमानत जिहड़ी कि दित्ती गई है, सो वड्डी राहत सीएम केजरीवाल नूं दित्ती गई है। हाईकोर्ट दे वल्लों रोक लगा दित्ती सी, फैसला राखवां रख्या गया सी। दस दईए कि पहलां भी राउ रेवेन्यू अदालत दे वल्लों सीएम अरविंद केजरीवाल नूं अंतरिम जमानत जिहड़ी कि दे दित्ती गई सी, पर उस तों बाद हाईकोर्ट दे वल्लों जिहड़ा कि यह फैसला राखवां रख्या गया सी, रोक लगा दित्ती गई सी। पर हुण उस तों बाद सीएम अरविंद केजरीवाल दे वल्लों हाईकोर्ट दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ी कि पटीशन दायर कीती गई सी, चुनौती दित्ती गई सी गिरफ्तारी नूं, ते हुण जिहड़ा कि फैसला सुनाया गया अंतरिम जमानत दित्ती गई है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों। सो वड्डी राहत दित्ती है सीएम केजरीवाल नूं, सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अरविंद केजरीवाल नूं वड्डी राहत दे दित्ती गई है, अंतरिम राहत दे दित्ती गई है। जदों तक वड्डी बेंच फैसला सुनाएगी उदों तक जमानत जिहड़ी कि उह दित्ती गई है। सो वड्डी खबर इस वेले दी, सीएम केजरीवाल नूं जमानत मिल चुकी है वड्डी राहत। सो जदों तक वड्डी बेंच सुनवाई करेगी उदों तक जमानत जिहड़ी कि उह दित्ती गई है। हुण सीएम केजरीवाल जेल तों बाहर आ सकणगे। सो वड्डी राहत सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों, सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती गई सी, गिरफ्तारी नूं चुनौती दित्ती गई सी। ताज़ी कि ईडी दे वल्लों गिरफ्तारी जो कि कीती गई सी उस नूं चुनौती दित्ती गई सी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों। हुण वड्डी राहत सीएम केजरीवाल नूं दे दित्ती गई है। Supreme Court, Honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19, which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the enforcement directorate case. And therefore, insofar as his arrest under enforcement directorate is concerned, by enforcement directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now, that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. Vivek ji. देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब इस क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी।
एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे. एज फार एज पीएमएल इज कंसर्न द मैटर इज ओवर, एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न ही इज आउट.